अरे उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के है कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आंसू बीजेपी उम्मीदवार। ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहाँ पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे? वो मिले हुए थे क्या बीजेपी से? अरे उतना दुश्मनी मत कर, होता है क्या? चलिए हो गया, हो गया ना। रामगढ़ में शमशान अंसारी का लिंच किया गया है 23 तारीख को। आप बोले थे पहले? जी जी जी, ब्रीफ किया मैंने। भाई अब हम थके हुए हैं। आप केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए हैं, ये जब पूछ रहे हैं तो पूछ रहे हैं। तो ये रक्षाबंधन का तोहफा है बहनों? नहीं, ये नाकाफी है और कमी करनी चाहिए थी। या जो कमी का दावा 17 इंजोर्ड हुए, ये बिल्कुल बेसलेस है, झूठ है। एक मिनट में आ रहा है सर। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर्स के दाम की कम किए हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये रक्षाबंधन में बहनों को तोहफा है। जो एलपीजी सिलेंडर्स के दाम कम किए गए हैं, उज्ज्वला योजना पे 400 रुपए और नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर्स के 200 रुपए का दाम कम किया गया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है ये, जब पूछ रहे हैं तो पूछ रहे। तो ये रक्षाबंधन का तोहफा है बहनों के लिए? नहीं, ये नाकाफी है और कमी करनी चाहिए थी। या जो कमी का दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज़ है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपये में आ जाता। कि बहुत आज भी कीमतें ज़्यादा हैं, मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा हो। सर, इंडिया गठबंधन पर क्या बोलेंगे सर? 31 को बैठक है, इंडिया गठबंधन क्या आप उसके हिस्से हैं? हम नहीं है ना उसका हिस्सा। आपको तो पता है, आप इतने ज्ञानी आदमी है, क्यों पूछ रहे हैं उससे आप? सर, उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के है कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आंसू बीजेपी उम्मीदवार। ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहां पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे? वो मिले हुए थे क्या बीजेपी से? 2019 के बाद एक भी लिंचिंग नहीं हुई है झारखंड में। नूह में जो हिंसा हुई है, नूह में हरियाणा, नूह में जो हिंसा हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने मीडिया से पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि ये जो घरों को तोड़ा गया, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया।